याद करते हैं, पहले बताइए भारत किस गोलार्ध में है, कौन देशांतर में, उत्तर पूर्वी देशांतर। देशांतर बताइए 68 डिग्री 25। अक्षांश बोलिए। भारत का उत्तरी बिंदु बोलिए, नाम क्या है उसका, इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु इंदिरा, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु की बीतु, पश्चिमी बिंदु गौर माता किस राज्य में, गुजरात। इंदिरा कौल किस राज्य में, पूर्वी बिंदु किस राज्य में, दक्षिणी बिंदु बड़ा निकोल। मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य में, भारत का अक्षांशीय विस्तार बोलिए 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री। ये भारत का क्या है, मुख्य अक्षांशीय, ये भारत का क्या है, मुख्य अक्षांश। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से लेके 37। भारत का देशांतरीय विस्तार डिग्री 97 डिग्री 25। भारत के पश्चिम में कौन सा देश, पूरब में चीन, सॉरी उत्तर में चीन, उत्तर में कौन सा देश, पूरब में, दक्षिण में। भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए कहाँ पर स्थित है, बड़ा निकोर। उत्तरी बिंदु लद्दाख, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश, 8। भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित में सबसे बड़ा और सबसे छोटा लक्षद्वीप। समुद्र से सटने वाला केंद्र शासित प्रदेश बोलिए, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, अंडमान। समुद्र से सटने वाला 4, कौन कौन फिर से बोलिए, यहाँ से दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, अंडमान। सबसे ज्यादा समुद्री एरिया, सबसे ज्यादा समुद्री एरिया और क्षेत्रफल में केंद्र शासित में सबसे बड़ा, ध्यान से बोलिए, लद्दाख भारत के किस ओर है, उत्तर के। लद्दाख भारत की किस ओर है, गुजरात भारत की किस ओर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण, तमिलनाडु दक्षिण, श्रीलंका दक्षिण। श्रीलंका भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। आगे बढ़ाएं इसको, अब देखिए भारत का पश्चिम से पूरब की लंबाई, पश्चिम से पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर, पश्चिम से पूरब लंबाई 2900, उत्तर से दक्षिण लंबाई बोलिए 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पश्चिम से पूरब 2900, पश्चिम से पूरब लंबाई बोलिए, उत्तर से दक्षिण बोलिए 3214। अब इसका पड़ोसी देश देख ले, भारत, भारत का कुल पड़ोसी देश क्या गो, नौ गो। भारत का कुल पड़ोसी देश क्या गो, नौ। भारत का कुल पड़ोसी देश कितना, जिसमें से 7 गो स्थल से सीमा साझा करता है, 7 गो क्या करता है, स्थल, और 2 गो जल से, 2 गो जल से, स्थल से क्या गो, स्थल से 7 गो, जल से श्रीलंका, इधर नीचे गो मालदीप, जल से, अब स्थल से देख ले, पहला बोलिए, दूसरा बोलिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
सॉरी छठा बोलिए म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, स्थल से क्या गो, सात गो कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, स्थल के साथ क्या गो, बोलिए सातो नाम, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कितना 4,096 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ कितना 4,096, और सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान कितना 106 किलोमीटर, हाँ 106 या 6, सबसे कम बोलिए, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भारत का कौन सा, लद्दाख, अफगानिस्तान के साथ कौन सा, लद्दाख, अफगानिस्तान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सटता है, लद्दाख, कितना किलोमीटर, अब बांग्लादेश के साथ 4,094, स्थल के साथ बताइए क्या देश, सात कौन कौन, पहले पहले चीन बोलिए, चीन, जब भी बोलिए सीक्वेंस में तभी आपका मैप दिमाग में आएगा, भाषण याद करने का मतलब नहीं है, मैं नहीं कि मैप देखने का, बात समझे, जब मैप आपके दिमाग में रहेगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बात समझे, कौन कहाँ सटता है उसको दिमाग में सेट करना है, बात समझे, कौन किस जगह है, संख्या तो तुरंत याद हो जाएगा उसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं किस जगह पे कौन है उसका लोकेशन देखना है, तो बताइए स्थल के साथ क्या गो, सात गो, स्थल के साथ पहला बोलिए, सबसे ज्यादा, सबसे कम, अब देख लेते हैं कौन राज्य कौन देश से सटता है, कौन राज्य कौन देश से सटता है, बताइए भारत का कितना राज्य जो कि पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है, सोलह, और केंद्र शासित क्या गो, दो, कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब राज्य को देखते हैं, ये बोलिए कौन सा राज्य, आई कौन सा देश, बात समझे, ये वाला बोलिए राजस्थान, ये वाला बोलिए, तो पाकिस्तान के साथ क्या गो, तीन गो, पाकिस्तान के साथ क्या गो, तीन गो, और दो केंद्र शासित, दो केंद्र शासित, टोटल कितना, पांच गो, बात समझे, टोटल कितना, पांच, बताइए पाकिस्तान से सटे राज्य का नाम बोलिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बात समझे, राज्य में क्या गो, तीन गो, केंद्र शासित में संख्या पांच, संख्या पांच, पाकिस्तान से सटे राज्य का नाम बोलिए, गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान से बोलिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान सबसे अधिक राजस्थान, पाकिस्तान सबसे ज्यादा किसके साथ बाउंड्री, राजस्थान, क्या क्या राज्य के साथ, तीन राज्य दो केंद्र शासित, तीन राज्य दो केंद्र शासित, बोलिए राज्य का नाम, गुजरात, सबसे ज्यादा किसके साथ, सबसे ज्यादा राजस्थान, केंद्र शासित में कौन, जम्मू और लद्दाख, अफगानिस्तान के साथ बताइए, सिर्फ लद्दाख, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, चीन को देखे, चीन के साथ क्या गो, चार गो राज, चीन के साथ क्या गो राज, चार गो राज, चीन के साथ क्या गो राज, चार राज, चीन के साथ बोलिए, चार,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया तो देहरादून क्या होगा? उत्तराखंड हो गया तो देहरादून भी होगा, देहरादून तो राजधानी है ना उत्तराखंड का। तो बताइए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। राज्य क्या गो चीन के साथ? चार। राज्य क्या गो? एक केंद्र शासित, एक केंद्र शासित। तो टोटल कितना? पांच। टोटल पांच। सिर्फ राज्य का नाम बोले चीन के साथ। राज्य क्या गो? चार। राज्य बोलिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। बोलिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। चीन सबसे ज्यादा? अरुणाचल। चीन सबसे ज्यादा? अरुणाचल। चीन सबसे ज्यादा किसके साथ? अफगानिस्तान सबसे ज्यादा? लद्दाख। पाकिस्तान? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा किसके साथ? पाकिस्तान। राजस्थान। राज्य क्या गो? पाकिस्तान के साथ तीन राज्य, चीन के साथ चार राज्य, एक के साथ चीन के साथ चार राज्य, एक चीन के साथ चारों राज्य का नाम बोलिए। और सबसे ज्यादा अफगानिस्तान सबसे ज्यादा किसके साथ? अब भारत सबसे कम बाउंड्री किसके साथ? बसन जी, सबसे कम बाउंड्री किसके साथ भारत? और सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। थोड़ा ध्यान से रहिएगा तब ये याद होगा, हल्के में मत लीजिए, बस समझे, हल्के में मत लेना है, नहीं तो एक नंबर से जिंदगी बनता है, एक नंबर से जिंदगी बर्बाद होता है, बस समझे ना। कोई मान लीजिए भारी क्वेश्चन सॉल्व करके एक नंबर लेगा, आप हल्का क्वेश्चन करके भी एक नंबर, दोनों का तो बराबरी है कंपटीशन में, बस समझे। तो इसलिए कोई भी चीज हल्के में नहीं लेना। तो बताइए, पाकिस्तान के साथ क्या राज्य? दो के राज्य बोलिए, गुजरात, राजस्थान। सबसे ज्यादा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ बोलिए। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा किसके साथ? अब भारत सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान। भारत सबसे ज्यादा किसके साथ? लद्दाख सबसे कम किसके साथ? सॉरी, अफगानिस्तान सबसे ज्यादा किसके साथ? अफगानिस्तान सबसे ज्यादा किसके साथ? अब भारत सबसे कम किसके साथ? बात समझे। चीन बताइए क्या राज्य के साथ? चार। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल। सबसे ज्यादा किसके साथ? अरुणाचल। सबसे ज्यादा? अब नेपाल को देखते हैं, नेपाल के साथ बोलिए, नेपाल के साथ कितना? पांच। नेपाल के साथ कितना राज्य? पांच। पहला देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ, सॉरी, नेपाल के साथ क्या गो? पांच। यहां से बोलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नहीं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये यहां से ऐसे करके ये पश्चिम बंगाल उसको उगा देता है, बिहार को ऐसे करके इधर दाब देता है, बस समझे, और इधर ये जाके नेपाल से ये सट जाता है, समझे ना। यहां से बोलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बस समझे। नेपाल के साथ क्या गो? पांच गो। नेपाल के साथ पांचों का नाम बोलिए, सिक्किम। फिर से बोलिए, नेपाल के साथ सबसे ज्यादा उत्तर। देखिए कितना बड़ा बाउंड्री टच करता है यहां से यहां तक, सबसे ज्यादा किसके साथ? नेपाल सबसे ज्यादा, चीन सबसे ज्यादा,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत सबसे ज्यादा, सबसे कम, कितना किलोमीटर? 100। ये 4496 किलोमीटर किसके साथ? बांग्लादेश। 106 किलोमीटर किसके साथ? अफगानिस्तान। पाकिस्तान सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य के साथ? चीन सबसे ज्यादा भारत में किसके साथ? बताइए, बिहार का एकमात्र किस देश से बाउंड्री सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ। बस समझे, बिहार बताइए किस देश से बाउंड्री सीमा साझा करता है? नेपाल से। उत्तर प्रदेश नेपाल से, और उत्तराखंड तो चीन से और नेपाल दोनों से। उत्तराखंड चीन और नेपाल दोनों से। हिमाचल प्रदेश सिर्फ चीन से, हिमाचल प्रदेश सिर्फ चीन से। उत्तराखंड चीन और नेपाल, चीन और नेपाल। यहाँ पे देखिए कौन सा राज्य है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? ऊपर से, इधर से, इधर से। तो सिक्किम क्या देश के साथ? बात समझे, सिक्किम क्या देश के साथ? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य कि तीन देश से घिरा हो? बात समझे, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कि तीन देश से घिरा हो? सिक्किम। सिक्किम क्या देश के साथ? तीन देश के साथ। सिक्किम क्या देश के साथ? बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कि तीन देश से घिरा हो? सिक्किम। बिहार किससे बाउंड्री सीमा साझा करता है? नेपाल से। उत्तर प्रदेश नेपाल से। उत्तराखंड चीन और अरुणाचल, सॉरी हिमाचल, उत्तर हिमाचल सिर्फ चीन का। चीन क्या राज्य? चार राज्य, एक केंद्र शासित में। कौन सा केंद्र शासित में? लद्दाख। अब इसको देखते हैं, भूटान को। ये कौन सा देश है बताइए? भूटान। भूटान क्या देश, सॉरी क्या राज्य के साथ? बोलिए, चार राज्य। भूटान क्या राज्य के साथ? देखिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। बात समझे, भूटान क्या राज्य के साथ? चार राज्य। बोलिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। बोलिए, भूटान के साथ चार राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। बोलिए, भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। बात समझे, एकदम से आपको एकदम सीक्वेंस में मैप के साथ याद करना है। बताइए, भूटान के साथ क्या को? चार को। भूटान के साथ चार राज्य। भूटान के साथ कौन कौन? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ क्या गो? चार गो। कौन कौन? सबसे ज्यादा भूटान सबसे ज्यादा किसके साथ? असम के। भूटान सबसे ज्यादा असम के। नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत सबसे कम किसके साथ? सबसे ज्यादा बांग्लादेश। सबसे ज्यादा तीन देश से घिरा कौन सा राज्य? तीन देश से घिरा सिक्किम। नेपाल सबसे ज्यादा किसके साथ? नेपाल भारत के कितने राज्य के साथ बाउंड्री सीमा साझा करता है? पांच। नेपाल, नेपाल भारत के कितने राज्य के बाउंड्री सीमा साझा करता है? कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम। क्या हाजिर है? भूटान के साथ बोलिए, अटक जाते, कोई दिक्कत नहीं। भूटान के साथ बोलिए चार। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा असम।
देखते हैं म्यांमार को, बताइए म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, एकदम से इसको याद करिए, म्यांमार के साथ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार के साथ बोलिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बोलिए, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा चीन, सबसे ज्यादा म्यांमार, सबसे ज्यादा चीन, सबसे ज्यादा म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, उत्तर प्रदेश, भूटान, असम, भूटान, चीन, म्यांमार, म्यांमार क्या राज्य के साथ, बोलिए चारों नाम, मणिपुर के ऊपर कौन सा राज्य, मणिपुर के नीचे मेघालय सटता है म्यांमार के साथ, नहीं, असम सटता है, नहीं, इसी को याद करना है, त्रिपुरा, नहीं, ज्यादातर यही देते हैं, म्यांमार के साथ बताइए क्या राज्य, चार, कौन कौन, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पाकिस्तान के साथ बोलिए, बोलिए, सबसे ज्यादा किसके साथ, अफगानिस्तान बताइए, लद्दाख, चीन के साथ क्या राज्य, चारों बोलिए राज्य, बोलिए नाम चारों, याद नहीं कर रहे ऐसे खोज रहे हैं, इसका मतलब याद नहीं के, चीन के, चीन के साथ हिमाचल, उत्तराखंड, चीन के साथ एक है, केंद्र शासित में कौन सा, लद्दाख, और राज्य में कौन कौन, संख्या में सबका नाम बोलिएगा, पाकिस्तान के साथ क्या राज्य, पाकिस्तान के साथ राज्य क्या गो, चीन के साथ राज्य क्या गो, चार गो, नेपाल के साथ क्या राज्य, पांच, नेपाल के साथ पांच, भूटान के साथ चार, म्यांमार के साथ चार, बांग्लादेश की देखते हैं, ये बताइए कौन सा देश है, ये बोलिए क्या बोल रहे थे, बस बांग्लादेश के साथ पांच राज्य, बांग्लादेश के साथ कितना राज्य, पांच, बांग्लादेश के साथ पांच राज्य, पहला बोलिए पश्चिम बंगाल, यहाँ देते दे पश्चिम, यहाँ ये सभी यहाँ से वहां तक सुनिए, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल के बाद असम, पश्चिम बंगाल के बाद असम के नीचे मेघालय के बाद त्रिपुरा के बाद, बांग्लादेश के साथ क्या गो, पांच गो, बांग्लादेश के साथ पांचों नाम सीक्वेंस बोलिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कितना किलोमीटर पूरा, 4,400, चलो टोटल कितना, और सबसे ज्यादा किसके साथ, पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा क्या गो, बांग्लादेश, पांच गो, बांग्लादेश के साथ क्या गो, पांच, यहाँ से बोलिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा को ध्यान से देखिए, त्रिपुरा को ध्यान से, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश,
यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है? बात समझे? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है? त्रिपुरा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य तीन देश से घिरा है? सिक्किम। बात समझे? तीनों देश का नाम बोलिए जी। मेघालय बताइए किससे बाउंड्री सीमा साझा करता है? त्रिपुरा। अब मिजोरम तो दोनों के साथ करता है, म्यांमार और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश सबसे अधिक पश्चिम बंगाल। ये पूरा यहाँ तक जो था ना बांग्लादेश था, ये पूरा कहाँ तक था, मतलब आधा असम समझिए पूरा ऐसे करके बांग्लादेश। इधर वाला को बोलता था पूर्वी बंगला, पूर्वी, और इधर वाला को पश्चिम। जब बांट हुआ तो इधर वाला, इसी के यही रीजन है कि है किधर भारत का, पूरब में। भारत का किधर है? पूरब। अब बांग्लादेश का किधर है? पश्चिम। इसीलिए इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। बात समझे? 1905 में कौन विभाजन कर दिया था? लॉर्ड कर्जन। इसको रद्द कौन कर दिया था? रद्द कौन कर दिया था? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। बात समझे? बताइए बांग्लादेश के साथ क्या गो? पांच गो। पांचों का नाम बोलिए। ये मेघालय, ये तीनों, तीनों तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा, और तीन देश से सिक्किम। बांग्लादेश क्या राज्य के साथ? पांच। म्यांमार के साथ? चार। चीन, चार प्लस एक, चार प्लस एक कर सकते हैं। हाँ, एक केंद्र शासित, चार प्लस जैसे एक होगा तो दिमाग में एक केंद्र शासित आएगा। बस समझे? भूटान के साथ? चार। बांग्लादेश के साथ? पांच। अफगानिस्तान के साथ? एक। पाकिस्तान के साथ? तीन प्लस दो, दो में कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तीन में सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ये भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? भारत का ऐसा कौन राज्य जो कि तीन देश से बाउंड्री घिरा हुआ? जल के साथ बताइए भारत क्या देश के साथ? भारत जल के साथ कितने देशों के साथ? दो देश। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव, ऐसा दो देश है ना, ये जिस देश के साथ भी सीमा बनाता है ना सिर्फ जल के ही साथ बनाता है, इसका बाउंड्री किसी स्थल के साथ नहीं सटता है। ये इसके चारों ओर क्या है? जल ही है। जैसे मालदीव का चारों ओर क्या है? जल। जिसके साथ भी बाउंड्री सीमा साझा करेगा वो जल के साथ। बात समझे? तो भारत स्थल के साथ क्या देश के साथ? स्थल के साथ और जल के साथ दो, जल के साथ। अब सुनिएगा, जल और स्थल के साथ, जल और स्थल के साथ तीन देश, जल और स्थल के साथ तीन देश, जल और स्थल के साथ तीन देश। एक पाकिस्तान, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा। जल और स्थल के साथ तीनों का नाम बोलिए। सिर्फ जल के साथ, जल और स्थल के साथ, जल और स्थल के साथ बोलिए। सिर्फ जल के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्थल के साथ, सिर्फ स्थल के साथ। तो ये जल स्थल वाला कट जाएगा, ये नहीं कटेगा जल, ये तो जल स्थल दोनों के साथ करता है। तो टोटल स्थल के साथ क्या गो? पहले बताइए टोटल स्थल के साथ क्या गो? उसमें तो तीन गो जल और स्थल के साथ,
तो बचा क्या गो? सिर्फ स्थल के साथ, बात समझे? और स्थल के साथ सुनिए, सिर्फ अगर स्थल के साथ बोलेगा तब चार, स्थल के साथ सात, बात समझे? सिर्फ जल के साथ दो, जल स्थल के साथ तीन, बात समझे? जल और स्थल के साथ, सिर्फ स्थल के साथ कौन कौन? अफगानिस्तान, चीन, बोलिए, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये चार देश क्या? सिर्फ स्थल के साथ। अब पूछेगा टोटल स्थल के साथ कितना? सात। उसमें से जल और स्थल के साथ कितना? तीन। जल और स्थल के साथ तीन। जल और स्थल के साथ सिर्फ स्थल के साथ चार। कौन कौन? बूटा। जल स्थल के साथ बोल, इधर से टप जाते हैं, फिर से बोलिए यहाँ से, पाकिस्तान, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, इधर से भाई वो भी ठीक है, लेकिन एक देखिए, जब ऐसे करके आप जाइएगा ना तो आपको मैप में धीरे धीरे दिमाग में मैप ड्रॉ होते हैं, बात समझे? ऐसे तो बोल दिए तो उल्टो पुल्टो कोई दिक्कत ना है, उतना जो है तो वही होगा, लेकिन जब आप एक सीक्वेंस से जाते ही रहिएगा ना तो दिमाग में सब आपको मैप छपेगा, ओ इस जगह ई है, इस जगह ई है, इस जगह ई है, बात समझे? तब आपका लोकेशन याद हो जाए। बताइए बिहार किस किस देश के साथ? नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश? नेपाल के साथ। उत्तराखंड? हिमाचल। सिक्किम? तीन देश के साथ, बोलिए, नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, भूटान, चीन। अरुणाचल प्रदेश? देखिए तीन देश के साथ ई भी सटता है, तीन देश के साथ ई भी नहीं सटता, इधर देखिए, भूटान, चीन और नेपाल, बात समझे? अरुणाचल प्रदेश बोलिए, तीन देश के साथ कौन कौन? तो भारत का कितना राज्य जो कि तीन देश से सटता है? दो गो नहीं हुआ, सिक्किम और अरुणाचल। भारत का कितना राज्य जो कि तीन देश से सीमा साझा करता हो? कौन कौन? बात समझे? बात कितना राज्य जो कि तीन देश से सीमा साझा करता हो? कौन कौन? सिक्किम और अरुणाचल। नेपाल के साथ संख्या में बोलिए, भूटान के साथ संख्या में बोलिए, म्यांमार के साथ बोलिए, बांग्लादेश के साथ बोलिए, चीन के साथ बोलिए, ठीक, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा किसके साथ? चीन सबसे ज्यादा, अरुणाचल, नेपाल सबसे ज्यादा, भूटान, म्यांमार, सिर्फ जल के साथ भारत कितना देश के साथ? सिर्फ जल के साथ, लेकिन पूछेगा जल के साथ तब साथ, भारत जल के साथ कितना देश के साथ? वही तो कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, सुनिए, स्थल के साथ क्या गो? सात गो। सिर्फ स्थल के साथ चार गो। उसी तरह से सिर्फ जल के साथ और जल के साथ सात, जल के साथ सात। अब ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान जल के साथ, म्यांमार जल के साथ, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, एक जल के साथ, अब एगो देश यहाँ पर है थाईलैंड, यहाँ पे कौन सा है? थाईलैंड, और यहाँ पर, यहाँ पे मालदीव, तो जल के साथ क्या गो? एगो काई छूट गया, इंडोनेशिया, इस जगह कौन सा देश है? इंडोनेशिया, ध्यान से दे, जल के साथ क्या गो? सर, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिर्फ जल के साथ
दो गो, सिर्फ जल के साथ दो गो। पहले कंफ्यूजन, पहले सुनिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। स्थल के साथ बोलिए, साथ, सिर्फ स्थल के साथ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जल के साथ बोलिए, साथ, सिर्फ जल के साथ, जल और स्थल के साथ, तीन, जल और स्थल के साथ, कौन कौन, बांग्लादेश, बात समझे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, हाँ क्लियर हो रहा है, बताइए थाईलैंड भारत के साथ कौन सा जल बनाता है कि स्थल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, जल स्थल दोनों, म्यांमार, जल स्थल दोनों, पाकिस्तान, जल स्थल दोनों, बात समझे, पाकिस्तान जल स्थल दोनों, म्यांमार जल स्थल दोनों, श्रीलंका जल, श्रीलंका, मालदीप जल, थाईलैंड जल, थाईलैंड, इंडोनेशिया जल, रहने देते हैं, छुट्टी तो हो गया ना कल, कल तो पूरा छुट्टी है, तो भाग चुकी है।